आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कई बार लोगों को लगता है मिल रही असफलताओं से घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में मिलने वाली सफलताओं से भी हाथ धो बैठते हैं। फिर दोष देते हैं किस्मत को, लेकिन मेहनत कैसे बदलती है किस्मत को, इनसे पूछे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, हम कहते थे कैश नहीं है, पेटीएम ले तो नहीं, बैंक में पैसे ट्रांसफर करने में चार्ज लगेगा, वही तो। और यहाँ एज यू विश, इतनी इंग्लिश, जिनसे पेटीएम के संस्थापक मिस्टर विजय शेखर शर्मा का व्यक्तित्व इस क्यूआर कोड को पेटीएम ऐप से स्कैन करके तुम पेटीएम जैसे कंपनी से पैसे सीधे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो और मुझे 0% चार्ज लगेगा, तो फिर मैं मना क्यों करूंगा? संघर्ष से गुजर कर इन्होंने पेटीएम नाम के सफलता को पश्चिम लहराया। विजय शेखर शर्मा की सफलता की कहानी। विजय शेखर शर्मा एक दूसरा हाथ तोड़ू 9004790047 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी अपनी दुकान पे पेटीएम का क्यूआर कोड लगाओ और 0% पे बैंक ट्रांसफर करो। अनैतिकता मानते थे, भले ही विजय को अमीर घरों की सहूलियत ना मिली हो, पर निश्चित ही माता पिता के संस्कार उन्हें विरासत में मिले थे। विजय की प्रारंभिक शिक्षा किसी महंगे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं, बल्कि विजयगढ़ के एक साधारण से हिंदी मीडियम स्कूल में हुई थी। पढ़ने में मेधावी विजय हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे और अपना मेधा के दम पर उन्होंने क्लास 12th की परीक्षा महज 14 वर्ष में उत्तीर्ण कर ली। आगे की पढ़ाई के लिए अब अलीगढ़ से बाहर जाना था। विजय ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। एडमिशन तो मिल गया, लेकिन आगे की डगर आसान नहीं थी। शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ाई करने के कारण उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी और इस वजह से इन्हें कॉलेज में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूल का टॉपर रहे विजय इंजीनियरिंग के पेपर्स में बड़ी मुश्किल से पास हो पा रहे थे और ये सब बस अंग्रेजी ना जानने के कारण हो रहा था। विजय हताश होने लगे और क्लास में बंक करने लगे। कई बार घर वापस लौटने का विचार उनके मन में आया, पर वे टिके रहे। विजय ने ठान लिया कि वे पहले अंग्रेजी को काबू में करेंगे। इसके बाद वे बाजार से पुरानी किताब और मैगजीन्स उठा लाए और अपने दोस्तों की मदद से अंग्रेजी सीखने लगे। इसके लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका भी अपनाया। वे एक ही किताब का हिंदी और इंग्लिश वर्जन खरीद लेते और पैरेलली दोनों को पढ़ते। इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी इच्छा शक्ति होती है और विजय शेखर शर्मा की सबसे अहम संपत्ति उनकी इच्छा शक्ति है, जिसके दम पर वह कुछ भी करने और कुछ भी कर दिखाने से पीछे नहीं हटे। अपनी गहरी मेहनत से उन्होंने जल्द ही इंग्लिश का पकड़ बना ली। विजय शेखर शर्मा की बिजनेस में रुचि। इंजीनियरिंग क्लास ना करने के कारण विजय के पास काफ़ी समय रहता था। इस समय में विजय याहू के फाउंडर सर्वर भाटिया से इंस्पायर होकर इंटरनेट के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते थे और चूँकि याहू स्टैनफोर्ड कॉलेज कैंपस में बनी थी, इसलिए वे वहां जाकर पढ़ाई भी करना चाहते थे। लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और लैक ऑफ इंजीनियरिंग नॉलेज की वजह से उनके लिए यह सब संभव ना हो सका। पर एक चीज़ संभव थी, विजय स्टैनफोर्ड के ही कुछ जीनियस को फॉलो करते हुए खुद से कोडिंग सीख सकते थे और उन्होंने वही किया भी। उन्होंने किताब से पढ़ पढ़ कर कोडिंग सीखी और खुद का एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर दिया, जिसे आगे चलकर द इंडियन एक्सप्रेस सहित कई सारे बड़े अखबार प्रयोग करने लगे। जल्दी जल्दी में खाना बनाना भूल गई। एक्सेस नाम की कंपनी शुरुआत। इसके बाद उन्होंने कॉलेज के थर्ड ईयर में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक्सएस नाम की कंपनी शुरू की। उनका यह बिजनेस मॉडल बहुत लोगों को पसंद आया। 1999 में विजय शेखर ने एक्सएस को यूएसए की लोटस नेट इंटरवर्क को 50,000 डॉलर में बेच दिया इस दिवाली उनके और लिए इसकी दिल खोल के कुछ कंपनी में वे एज एन एम्प्लॉय काम करने लगे। पर दूसरों की नौकरी करना शेखर शर्मा को पसंद नहीं आया और उन्होंने जल्द ही नौकरी छोड़ दी। लेकिन बिजनेस का स्वाद चख चुके शेखर भला खाली कैसे बैठते। उनका दिमाग तुरंत बिजनेस आइडियाज़ खोजने में लग गए और उसके बाद उन्होंने इस दुनिया की 197 की स्थापना 197 की स्थापना नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने 2001 में 197 नाम की कंपनी शुरू की। इस कंपनी में शेखर ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा डाली, लेकिन .com बस्ट के कारण रूम में ही यह कंपनी नहीं चली। बिजनेस फेलियर इंसान को
मुरली और फैज से तोड़ देता है। शेखर को भी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस कठिन समय में उनके दो पार्टनर्स ने भी 197 छोड़ चले गए। विजय नई दिल्ली वे कश्मीरी गेट के पास एक सस्ते हॉस्टल में रहने लगे। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब पैसे बचाने के लिए ये पैदल ही अपने मंजिल का सफर तय करते थे तो कभी केवल दो कप चाय पर पूरा दिन गुजार देते थे। लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विजय जी भी कोशिश करने रंग उड़ाने लगी। GSM एंड CDMA मोबाइल ऑपरेटर्स को इनोवेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली अपनी कंपनी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी और मुनाफा कमाने लगे। पे टी एम थ्रू मोबाइल की स्थापना। विजय शेखर शर्मा समय की नब्ज पकड़ने में माहिर है। बाजार में स्मार्टफोन बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहे थे और यही से उनके दिमाग में कैशलेस ट्रांजेक्शन का आइडिया आया। उन्होंने 197 के बोर्ड के सामने पेमेंट इकोसिस्टम में इंटर करने का प्रपोजल रखा, पर चूंकि ये एक नॉन एग्जिस्टेंस मार्केट था और कंपनी पहले से अच्छा काहिल रही थी, इसलिए कोई भी ये रिस्क उठाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में विजय चाहते तो अपने आइडिया को लेकर अलग से कंपनी शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका कहना था कि कोई और एंटरप्रेन्योर होता तो अपनी इक्विटी बेचकर खुद ही एक कंपनी शुरू कर देता, लेकिन मेरी इच्छा एक 100 साल पुरानी कंपनी बनाने की है। मेरा मानना है कि मैन एंड बॉय इसलिए अलग है क्योंकि बॉय एक झटके में कंपनी बेच देता है, मैन कंपनी चलाता है और विरासत का निर्माण करता है। विजय ने अपनी पर्सनल इक्विटी का 1% करीब $2 million अपने नई आइडिया के लिए सामने रखा और 2001 में कर डाली paytm.com की स्थापना। प्रारंभिक दौर में यह DTH रिचार्ज और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी। फिर पेटीएम ने धीरे धीरे अपनी सर्विसें बढ़ानी शुरू की। पहले बिजली बिल, गैस का बिल पेटीएम की सुविधा दी और फिर पेटीएम ने ई कॉमर्स कंपनी के तरह सामान बेचना शुरू कर दिया। और हाल में हुए नोट बैन ने तो पेटीएम के लिए लॉटरी का काम किया और देखते देखते पेटीएम करोड़ों लोगों की जरूरत बन गई। कैश नहीं है, पेटीएम ले लो तो नहीं, बैंक में पैसे ट्रांसफर करने में चार्ज लगेगा। भारत के सभी राज्यों में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, डाटा कार्ड रिचार्ज, पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट आदि सेवाएं प्रदान कर रही है। पेटीएम ऐप से स्कैन करके सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन पेमेंट या कार्ड से पैसे सीधे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो और मुझे 0% चार्ज लगेगा, तो फिर मैं मना क्यों करूंगा। रुपीज के करीब पहुंच चुका है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने विजय शेखर शर्मा को इंडिया हॉटेस्ट बिजनेस लीडर अंडर 40 के रूप में चुना है। दूसरा हाथ तोड़ू 9004790047 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी अपनी दुकान पे पेटीएम का QR कोड लगवाओ और 0% पेमेंट ट्रांसफर करो। कंपनी का सपना तब देखा था जब उनकी जेब में खाना खाने के लिए 10 रुपए भी नहीं थे। उनकी इस इंस्पायरेशनल स्टोरी को मैं उन्हीं के शब्दों के साथ खत्म करना चाहूँगा। उसे करने में कोई मजा नहीं जो दूसरे आपसे करने को कहे, असली मजा उसे करने में है जो लोग कहे कि तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए विजय शेखर शर्मा की तरह हम भी अपने सपने को साकार करें और अपने जीवन में इतना कुछ करें कि ये कुछ नहीं कर सकता कहने वाले के मुंह में हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।